गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, एक बार फिर से नया दिन नई शुरुआत। मामा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब तो मुंशारी घुमाओगे ना, गाइड करने के लिए भी है अपने पास मामा। तो नए दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ। तो ऐसा है सीन, मैं आया हूँ मुंशारी, पिछला आपने ब्लॉग देख लिया है। और अब ये है ना 2024 में, मैंने ठान रखी है यार 2023 तक बहुत टाइम पास हो गया है, अब 2024 में कुछ करना है। तो एक सीरीज मतलब मुंशारी वाली रेगुलर मस्त चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ 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 बनता है 2024 में, तो एक्सप्लोर करनी है। तो फिलहाल यहाँ तो मामा भी आई गाइड करने को, बाकी देखते हैं आगे कहाँ कहाँ को जाते हैं। तो सुबह सुबह दर्शन करा देता हूँ एक बार मैं आप लोगों को, पंचाचूली की। पंचाचूली, यस। उस तरफ से धूप है, जितना भी दिखेगा हल्का फुल्का 9 बजे के बाद। हिमालय रूखा सूखा पड़ा है, नहीं तो यहाँ पर तक भी पिछले साल तक मामा बता रहे हैं बर्फ पड़ के ना एकदम क्लियर हो जाता है ये। गुड मॉर्निंग, सूरज चाचा भी आ चुके हैं। ये देखो ये पूरा पहाड़ियों में बसा हुआ, और ये रहा अपना पंचाचूली। गिनाऊं 1 2 3 4 5। अब देखो फोकस बनाओ, फोकस कैमरामैन फोकस करो। देखो ये है पंचाचूली के 5 पर्वत, जो कि अभी सबसे बड़ा वाला साफ साफ क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख जाएगा ऊपर जाएंगे जब। अभी तो बहुत टाइम अपने पास, एक्सप्लोर करेंगे मुंशियारी, खलिया टॉप, नंदा देवी और कुछ बहुत चीज़ें और। यस, तो बने रहना इस सीरीज़ में, देखना मस्त से। तो मामा तो जा रही हैं यार, मैं अकेला पड़ गया, आ जाएंगे 9:30 में, फिर चलते हैं। यार ये मुंशियारी ना एक आपदा वाला क्षेत्र भी है, मतलब हर सीज़न ना यहाँ आपदा यहाँ जाती हैं, बाढ़ खिसक जाता है या कुछ हो जाता है, बारिश वारिश हुई तो ना एकदम पूरा पहाड़ी में। तो इसी के चलते देख रहे हो रोड की कंडीशन ही ना, यहाँ की मेन रोड है ये, देखो ये मेन रोड है ये एकमात्र, जो कि मतलब यहाँ से मतकोट को जोड़ती है, मतकोट धारचूला होते और इधर को थलमानी होते पिथौरागढ़। और पिछले बार तक इस सीज़न ना इस एरिया में पूरा बर्फ़ बर्फ़ से ढके रहता था यार ये। इस सीज़न अगर यहाँ के ये हाल है ना, तो समझ लो भाई गर्मियों में क्या हाल होने वाला है। जनवरी स्टार्ट हो गई है और यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही अभी तक, गर्मियों में हाल भी हाल होने वाले हैं इस बार, अभी से बता दे रहा हूँ भाई लोग सबको सबको। चलो तो भाई दिन के बच चुके हैं 2, नाश्ता वास्ता कर लिया था मस्त, ठंडा हरी सब्जी रोटी और दूध, मतलब नाश्ता यार यहाँ की ना कसम से मज़ा आ रहा है, ठंडा मतलब ऐसा ठंडा हो जाना यार। सामने हिमालय है, हिमालयी हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, रूह कांप जा रही है यार। तो 2 बज गए, मामा की कॉल आई कि आओ जरा ऑफिस को, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मामा का ऑफिस है, तो ऑफिस में जाते हैं एक बार और फिर डिसाइड करते हैं कि आखिर जाना कहें, और जहाँ जाना होगा ना उसकी ब्लॉगिंग मतलब अलग से एक अलग एपिसोड होगी। तो जो मुंशियारी का सीन है ना, मतलब वो ना एक अलग अलग पार्ट्स में करूँगा, जैसे उड़ीसा का हुआ था ना कि पार्ट्स पार्ट्स में, मैं पहुँच तो मुंशियारी आऊँ लेकिन आज की डेट में भी मेरे उड़ीसा के ब्लॉग ही अपलोड हो रहे हैं, उसी तरह मैं मुंशियारी के भी पार्ट्स में बनाऊंगा, मतलब पार्ट्स पार्ट्स बनाऊंगा और फिर सब अपलोड होंगे। तो तैयार होता हूँ, कपड़े वपड़े पहनता हूँ क्योंकि ठंड बहुत है यार, कपड़े तो दबा के पहनने पड़ेंगे भाई। अगर आने का प्लान बना रहे हो कोई तो अपनी पूरी तैयारियों के साथ आना, ठंडा बहुत है तो कपड़े वपड़े पहनते हैं, जूते वूते पहनते हैं, चलते हैं दिखाते हैं काहे कैसी। चलो तो भाई हो गई रवानगी, ये पीछे कमरा, कमरे को कर दिया बाय बाय। और यहाँ का ये एकदम ना खिला खिला मौसम, ये देख के भरोसा मत करना कि यहाँ गर्म हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं, कतई ना ना, बहुत ठंडा रहा। और पीछे देख सकते हो पंचाचूली के साफ साफ दर्शन हो रहे हैं एकदम क्लियर। तो अब यहाँ से पता नहीं आगे को, मतलब ऑफिस तो देखा है मैंने लेकिन यहाँ से कितना किलोमीटर है वो मेरे को मतलब आइडिया नहीं है, तो चलते हैं देखो आप मस्त। ये देखो यहाँ पर तक के रोड के हाल देखो, और मैं कल से मतलब यहाँ से आगे नहीं आना, यहाँ पर से इधर देखो भाई रोड तो यहाँ बड़ी मस्त है यार, आगे को कहीं कहीं पर टूटी फूटी सी बेकार, बाकी तो मस्त है। अरे कौन से स्कूल की बस है भाई, ये कौन से स्कूल की बस है देखिए जरा भाई, श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर। हाँ ये तो विवेकानंद की है यार, अपन ने भी तो विवेकानंद ही में पढ़ा भाई। ये बस देख के ना अपने स्कूल के दिन याद आ गए यार, अपने ने भी विवेकानंद स्कूल से पढ़ाया ना, क्या दिन थे यार भाई, ज़िंदगी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भाई साहब, देख रहे हो। तो ये है ना, अब देखते हैं आगे, ऑफिस तक पहुँचता हूँ और उसके बाद प्लान बनता है कि जाना कहाँ है,
उसके बाद चलते हैं जहाँ भी जाना है, उसके बाद चलते हैं घूमते हैं मुंशारी। अकेले अकेले जिंदगी अकेले जीनी है भाई, देख रहे हो। राता पानी 22 मुंशारी, एक किलोमीटर पैदल जाना है मेरे को, वो आगे कहीं। इधर को ना ये हिमालय भी रुखे सूखे पड़े हैं यार, यहाँ भी बर्फ़ पड़ना मुश्किल है। मामा बता रहे थे ना पिछले साल तक इन दिनों ना यहाँ बर्फ़ की पूरी चादर बिछी रहती थी एकदम सफेद, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही रह गया। इस बार तो हिमालय भी यार देख रहे हो सूखा पड़ा है, यहाँ तो पता नहीं कभी पड़ेगी। तब तक तो मैं घर भी चला जाऊँगा, घर के अल्मोड़ा भी पहुँच जाऊँगा यार। तब तक मैं अल्मोड़ा या कहीं और, कोई आइडिया नहीं है। मतलब एक हफ्ता हो यहाँ, अगर बर्फ़ पड़ गई तो ठीक मैं खुश हूँ। आगे बहुत सारे लंगूर हैं यार, डर लग रही जाने में, आदत हो गई है बंदरों के बीच। लेकिन बंदर और लंगूरों में अंतर बहुत है यार, देखते हैं कैसे होएगा क्रॉस। छेड़छाड़ नहीं करनी है, चुपचाप चलना है गर्दन नीचे करके। ये देखो भाई लंगूर खा रहे अंगूर, चुपचाप साइड ही साइड निकल लो भाई। ये भाई मुंशियारी का विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, काफ़ी सही जगह यार। ये फील्ड भी है इसका खुद का शायद, ये हिमालय रेंज के पास स्कूल भाई। और ये रही पटवारी चौकी, इधर जाने हैं अपने को। यार मामा ने थोड़ा ये बोल के आधा घंटा पैदल चला दिया यार, लेकिन लगभग पहुँच ही गया हूँ मैं अब। चलो चलो, क्या मस्त व्यू आ रहा है पीछे का। पाँच पर्वत पंचाचुली पहुँच गए, चलो अब चल रहे हैं। ये मिल गए मामा, कहाँ ले जा रहे हो तो बताओ, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? नंदा देवी जाते हैं, नंदा देवी जाते हैं, तीन जने जा रहे हैं मस्त, मामा मामा के दोस्त और मैं। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी आगे से लो याली सीरीज को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं नंदा देवी की, सिर्फ नंदा देवी की। चलो लेट्स गो, घूमते हैं भाई, दिखाते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं मस्त। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।